जेडे कहते कि मैं बड़ा वड्डा देश भगत हाँ, तो अज देश भगती दिखाउण ईडी का रेड ये भी करते अरैसट कर फिर तो मनागा कि इंसाफ कर रहे हैं। तो इलैक्शन के लागे तुम देखो ममता बैनर्जी ने किया और तमिलनाडु किया तो उतों के अणखी लोगों ने इनू बीजेपी को टका के हरा के भेजा। तो इस तरह ही हूँ पंजाब के लोग भी चन्नी सरकार को टका के भेज। ईडी वालों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भुपिंदर हानी की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी वालों इस राजनीति बदलाखोरी करार दे रही है। विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यह रेड केंद्र सरकार के इशारे से चोणा से हो रही है और जेकर कार्रवाई करनी है तो अपने चहेते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी कार्रवाई हो क्योंकि उन्होंने भी ना ईडी के मामले में है। इस नाल ही सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की वोटिंग के बयान के आधार पर सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐलान हाईकमांड ने किया वोटिंग अहम नहीं सी। इस नाल ही सुखजिंदर सिंह ने रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब की फेरी ते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट आई ईडी ने जो रेड किया गया और सू पहले दिन तो ही पता सी कि मोदी सरकार जिमें पे दूसरिया स्टेटा के ईडी के रेड करवाए थे उदों तुसी बंगाल लै लो तमिलनाडु लै लो होर स्टेटा लै लो जिते जिते भी होया उत्थे इन्होंने पी चिदंबरम लै लो फिर साढ़े उत्थे जिहड़े चीफ मिनिस्टर सीगे मध्य प्रदेश दे उन्होंने लै लो और हर बंदे दे उत्ते इन्होंने ईडी का जिहड़ा बाम रोड का जिहड़ा काम किया डेमोक्रेसी लई बहुत वड्डा घातक है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री च ये चीज़ नहीं चलती कि तुसी इलैक्शन जिहड़ियां ने किसी नूं दबा के डरा के करवाइया जाण। मैं एक चीज़ पुछना चाहुंदा तुहाडे माध्यम राहीं कि प्रधानमंत्री साहब पंजाब दे विच इक असीं बिक्रम मजीठिया दे उपर ईडी दे बेस्ड ईडी ने जो बयान लए ईडी दे बयानां दे मुताबिक केस रजिस्टर कीता और उस बंदे दी जमानत कैंसल हुई हाई कोर्ट चों। उस बंदे ने जाके सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील पाई कि मैं इलैक्शन लड़ रहा मैनू भी तक मौका दिता जाए इलैक्शन लड़ तो बाद। हाई कोर्ट ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तू 21 तो लैके 24 तरीक तक अदालत दे विच पेश हो तो उत्थे जाके अपनी जिहड़ी आ रेगूलर इहदा मतलब जदों अदालत पेश होना तो उत्थे अंदर जाना ही जाना। तो जे इन्हां च प्रधानमंत्री साहब जिहड़े कहिंदे कि मैं बड़ा वड्डा देश भगत हाँ तो अज देश भगती विखाउण ईडी का रेड ये भी करते इनू अरैसट कर फिर तो मनागा कि इंसाफ कर रहे हैं। तो ईडी के केसों वाले जेडे इन्हों के अपने चेहते ने वो बाहर फिर जिन्हों के उत्ते केस भी नहीं तो यह है कि बाम रोड दी लोगों को दसना एक दलित परिवार को बदनाम करना इसनू कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। राहुल गांधी जी सीएम चेहरा शायद अनाउंस कर दिया उदन साडे सीएम चेहरा अनाउंस होया चन्नी साहब ने खुद ही अनाउंस कर लिया अपने आप सीएम चेहरा उन्हें चन्नी साहब ने मेरा ख्याल कितने भी नहीं किया अज तक नहीं किया कि मैं सीएम चेहरा बिल्कुल गलत गल है। तुसीं सीएम चेहरा किनू मिलदे पंजाब पंजाब जदों राहुल गांधी ने आके करना वो अनाउंस करेंगे उन्होंने जो सा व्यूज मने ने मंगे ने उन्होंने असं अपने दे दिए। इलैक्शन लागे क्यों टारगेट किया जाता ईडी वालों इलैक्शन के लागे तुम वेखो ममता बैनर्जी ने किया उत्थे तमिलनाडु किया तो उतों के अणखी लोगों ने इनू बीजेपी को टका के हरा के भेजा। तो इस तरह ही हूँ पंजाब के लोग भी साड़ी चन्नी सरकार को जता के भेजे। उन्होंने हर लीडर नहीं होना उन्होंने कहड़ा रोक सकता अपने लड़न एक जाखड़ ने सर बयान दिता भी सीएम वाली मेरे नाम बंदे ज्यादा सी संधावा साहब खड़े सी देखो ये जी सीएम ना बंदे ज्यादा जाऊँ तो चन्नी साहब से तो उन्होंने बहुत ही थोड़े दसी तो हाईकमांड ने जोड़ा फिर डिसीजन लिया उन्होंने सारे ने कबूलिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मोदी रल के मैं पंजाब की सरकार बनावा पहले मोदी साहब यही फैसला कर दें जे कैप्टन साहब के उत्ते ईडी के केस नहीं वो मोदी साहब बयान देन तो कैप्टन साहब भी बयान देन तो जोड़ा ईडी का केस आ इन्हों के सारे परिवार से कि तुम डरते उस करके गए हो कि जो किसी करके। थैंक यू।